स्वागत है। नमस्कार, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की ओर से मैं नेहा मिश्रा, शमशेर खान की खास खबर पर एक नजर। अवैध महुआ शराब पकड़ी, वैन से बिक्री के लिए ले जा रहा था आरोपी। रबर के ट्यूब में महुआ फूलों से निर्मित शराब भरकर वाहन करने वाले आरोपी को हिरासत में लेकर कुल 2,06,000 रुपए का माल जब्त किया गया। यह कार्रवाई जिला रेड दल ने रविवार 19 अगस्त को गणेशपुर में की। आरोपी का नाम मानेगांव निवासी मिलिंद तुकाराम होम ने बताया जा रहा है। विस्तृत जानकारी अनुसार मिलिंद होम ने महुआ फूल की अवैध शराब बनाई और वैन क्रमांक MH36H6660 में बिक्री करने के लिए गणेशपुर ले जा रहा था। पुलिस को इसकी जानकारी मिलते ही जिला रेड दल के पुलिस उपनिरीक्षक जितेंद्र आडोले ने टीम के साथ मिलकर नाकाबंदी की। मिलिंद को वैन से जिला परिषद चौक से ग्राम पंचायत गणेशपुर की ओर जानते देख रेड दल की टीम ने उसे रोककर वाहन की तलाशी ली। वैन की पिछले डिक्की में शराब भरे 4 ट्यूब मिले, जिसमें 6,000 रुपए की 60 लीटर शराब मिली। पुलिस ने अंदाजन 2,00,000 रुपए कीमत की वैन समेत 6,000 रुपए की शराब जब्त कर ली। आरोपी अमित भाऊराव शेंडे पर मामला दर्ज किया गया। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक विनीता साहू के मार्गदर्शन में जिला रेड दल के उपनिरीक्षक जितेंद्र हडोले, सहायक फौजदार अश्विन कुमार मेहर, पुलिस हवालदार रूपचंद्र जांगले, पुलिस नाइक प्रदीप डहारे, विनोद शिवनकर, सचिन गाढ़वे ने की। खबर आप तक पहुंचाने के लिए आप जो शेयर और लाइक करते हैं उसके लिए हम आपके आभारी हैं। देखते रहिए बीएस क्राइम इंडिया न्यूज़। नमस्कार।